सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, सुबह का 8 बज रहा है और अभी मैं सोकर उठा हूँ। और मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मुझे अभी नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, बट थोड़ा काम है तो इसलिए थोड़ा उठना पड़ा जल्दी, क्योंकि मैं तो 10 बजे से पहले उठता नहीं हूँ। घर पे जब से आए हैं तब से खूब सो रहे हैं, एकदम जबा के सो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं हो रहा है, पढ़ाई का कोई टेंशन नहीं है। अब वहाँ पर जाएंगे तो भी तो मुझे पता चलेगा ना कितना लोड है, क्योंकि लोड तो बहुत है, टेंशन नहीं ले रहे हैं, बट टेंशन लेने वाला है, क्योंकि यार 14 सब्जेक्ट है, कैसे पास होंगे कैसे नहीं, तो देखते हैं। और आप लोग को दिखाते इसमें, और मेरा एक छोटा सा मंदिर है, मैं वो भी आप लोग को आज दर्शन कराऊंगा, क्योंकि मैं डेली उठकर पूजा करता हूँ और डेली नहावा कर पूजा करता हूँ। तो चलते हैं और आप लोगों को वही दिखाते हैं, तो बने रहिए आप लोग इस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, देख सकते हो ये सारा गंदा करके रखे हुए हैं हम, ये देख सकते हो लैपटॉप वहीं पे पड़ा हुआ है, ये फैन चल रहा है, और ये मेरा बेड कितना गंदा हो गया है। तो इसको फटाफट से मैं सजा लेता हूँ, और उसके बाद से आप लोग से एक चलते हैं और छत पे कुछ नज़ारे दिखाते हैं छत पर से। तो चलते हैं और दिखाते हैं आप लोग को। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो ये भी एक मेरा ही रूम है, बट मैं इसमें नहीं रहता हूँ, मेरा रूम मैंने आप लोग को दिखाया। तो देख सकते हो ये सब कैसा रूम है, इसमें क्या क्या चीज़ें से भरे पड़ा है। और ये देख सकते हो मेरा छोटा सा आईफोन जो टूट फूट गया है, ये एक नया आईफोन ख़रीदाया है, उसको भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देख सकते हो ये आईफोन छोटा वाला है, गोल्डन कलर में है, ये बहुत अच्छा लगता है, बट ये हाथ में एकदम स्मूथली आ जाता है, छोटा सा फ़ोन है बट ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, खूब मज़ा आ रहा होगा। और ये देख सकते हो बेबी बेबी दिख रहा है आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, मज़ा आ रहा है और मज़ा आने वाला है, चलते हैं और आप लोग ले चलते हैं छत पे, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, अपने मंदिर भी दिखाऊंगा इस ब्लॉग में, तो वो भी आप लोग बने रहिए। फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ा फटाफट से थोड़ा कुछ काम कर लेता हूँ, उसके बाद से मैं आप लोग को इस ब्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ। तो चल, तो फ्रेंड्स मैं आ गया छत पे, और छत पे के नज़ारा दिखाते हैं छत पे कैसे कि क्या क्या दिखता है मेरे छत पर। घर पे काफ़ी टाइम हो गया, और मैं सोच रहा हूँ कि कब मैं चला जाऊँ अपने कॉलेज, कॉलेज पे जाकर के मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊँ प्रॉपर तरीके से, मैं वहाँ पे भी आप लोगों को ब्लॉग करके दिखाऊँ, क्योंकि अपने फ्रेंड्स को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। तो बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मेरे को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कैसे हो, क्या कर रहे हो, याद नहीं आ रहा है, तो ये सब चीज़ें मतलब थोड़ा हर्ट करता है और इमोशनली हो जाते हैं। तो चलते हैं, उन लोगों से भी आप लोगों को मिलवाएंगे ज़रूर। और तो फ्रेंड्स, देख सकते हो ये मेरे पीछे के जो भी देख रहे हो, आपको दिखाते हैं और भी कुछ दिखाते हैं, ये फिर भी मैं बहुत ही मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ बातचीत करके। तो और भी कुछ है जो दिखाते हैं आप लोगों को? फ्रेंड्स, ये देख सकते हो कितना प्यारा सा, ओ ये देख सकते हो जो गुंबज दिख रहा है आपको, वो एक मस्जिद है हमारे गांव का जो 40 फीट ऊंचा है। और यहाँ पे कुछ खास दिखने वाले तो नहीं है, बट फिर भी आप लोग दिखा रहे हैं, देख सकते हो ये सब उधर खेत है, सब चावरा है, आप लोग पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते हैं चावरा मीन्स होता क्या है, ये सब खेत होते हैं जहाँ पे सब ये दिखाते हैं। इधर का नज़ारा आप लोग देख सकते हो, ये क्या इधर मतलब खूबसूरती है, खूबसूरती आप लोग देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को दिखाने वाले हैं अपना छोटा सा एक मंदिर जो प्यारा सा है, तो दिखाते हैं। गाइस, देख सकते हो ये मेरे भगवान जी हैं, जो इनको मैं अच्छी तरह से सेटअप करके रखा हूँ यहाँ पे हनुमान चालीसा मैं डेली पढ़ता हूँ हनुमान चालीसा, और मुझे बहुत ही पॉजिटिव फील होता है, क्योंकि मुझे ये सब पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है और मेरे को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। आप लोग भी पढ़ सकते हो हनुमान चालीसा। तो फ्रेंड्स, मेरा छोटा सा मंदिर कैसा लगा और मेरा गांव कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आप लोग को ये सारा चीज़ मैंने दिखाया जो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।